भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप अगर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो न केवल भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का दर्शन करेंगे बल्कि श्रवण बेलगोला में स्थित कई प्राचीन जैन मंदिरों का दर्शन भी कर सकेंगे। आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत चौकोर जलाशय है जिसका नाम है कल्याणी सरोवर। बताया जाता है कि इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। विंध्यगिरी पर्वत से देखने पर यह सरोवर काफी मनोहारी लगता है। श्रवण बेलगोला शहर में कई मंदिर हैं और ये सब अगल बगल ही हैं। मठ के सामने स्थापित है भंडार बसदी। होयसल वंश के एक प्रमुख भंडारी हुलैया ने सन 1115 में इसे बनाया था। इसमें अनेक खंभे हैं। इसके गर्भगृह में एक ही माप की 24 तीर्थंकरों की खड़गासन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो अलौकिक लगती हैं। द्वार की एक ओर पद्मावती देवी और दूसरी तरफ ब्रह्मदेव की प्रतिमा स्थापित है। मठ से सटा हुआ एक मंदिर है, यहाँ पर भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा स्थापित है। मंगई बसदी। सन 1353 में चारु कीर्ति पंडित देव की शिष्या मंगई ने इसका निर्माण कराया था। इसमें भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर की प्रतिमाएं विराजमान हैं। कुछ कदम आगे बढ़कर हमें मिला एक छोटा किंतु प्राचीन भगवान आदिनाथ का जिनालय। यहां भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान है। अक्कन बसदी का निर्माण सन 1181 में अचियक्क ने कराया था। यह मंदिर वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। इसके अंदर नागा चंद्रा तपवाली पार्श्वनाथ, धरणेन्द्र यक्षा और पद्मावती यक्षी की प्रतिमाएं विराजित हैं। अक्कन बसदी के पश्चिमी प्रांगण में सिद्धांत बसदी और दानशाला बसदी है। अगले दिन श्रवण बेलगोला से हम निकल पड़े कुछ और प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने। 2 किलोमीटर आगे हमें मिला जिननाथपुर। मैं बैठा हूँ एक ऐसी पवित्र जगह, कहा जाता है कि ये जगह आने पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है, और ये जगह है जिननाथपुर। और यहाँ पर स्थापित है भगवान शांतिनाथ की 1500 साल पुरानी प्रतिमा। यहाँ पर भगवान शांतिनाथ का एक अति प्राचीन मंदिर है। इसमें भगवान शांतिनाथ की 5.5 फीट ऊंची पद्मासन मूर्ति विराजमान है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर यक्ष, धरणेन्द्र, सरस्वती, अंबिका, मनमय चक्रेश्वरी आदि की कलात्मक मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इसी मंदिर के पास एक और मंदिर है जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। अगर आपने अभी तक यहाँ आने का मन नहीं बनाया है तो आज ही आकर अपनी जिंदगी को बनाइए वाह जिंदगी।